अस्सलामु अलैकुम। आज मैं शेयर करने वाली हूँ ब्रेड का मिठाई। तो मैं तीन चीज़ें बनाई हूँ, ब्रेड और मिल्क पाउडर और ये है शुगर। तो देखिए बहुत जल्दी बन के रेडी हो गया है। आप एक बार हमारे तो ट्राई करें और कमेंट करें। चलिए मैं बनाना शुरू करती हूँ ब्रेड का मिठाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं बनाऊँगी ब्रेड का मिठाई। तो मैंने ब्रेड ले लिया है, इसको हम ग्राइंड कर लेते हैं। ब्रेड को हम टुकड़े टुकड़े कर लिए हैं, इसको हम मिक्सी जार में पीस लेंगे। तो हम पीस लिए हैं, इसको हम चूरा बना लिए हैं जार में पीस करके। तो चूरा बना लिए हैं, अब चलती हूँ गैस की तरफ, इसको हम फ्राई करेंगे। तो आप देख सकते हैं कढ़ाई को चढ़ा दिए हैं, कढ़ाई गर्म हो चुका है। फिर हम डाल दिए हैं घी, 2 चम्मच घी डाले हैं। ये चूरा को हम डाल देंगे, डाल करके फ्राई कर लेंगे बढ़िया से। इसको अच्छे से हम फ्राई कर लेते हैं। अब फ्राई होने वाला है, थोड़ा सा और हो जाएगा, बहुत टेस्टी होगा बन के मिठाई, ये ब्रेड का मिठाई। तो ये डार्क ब्राउन हो चुका है, अब हम फ्लेम को बंद कर देंगे, इसको बाउल में निकाल लेंगे। कढ़ाई के चूल्हे पर चढ़ा दिए हैं, गैस ऑन कर दिए हैं। ये है चीनी, चीनी मैंने लिया है 100 ग्राम। फिर हम डाल देंगे, इसको कैरमल बनाएंगे। तो चीनी मेल्ट होना शुरू हो गया है, तो आप देख सकते हैं कैरमल बनना शुरू हो गया है। ज़्यादा इसको डार्क नहीं करना है। अब ये कैरमल बन चुका है, इसमें हम डाल देते हैं दूध, डाल के अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो कैरमल बन चुका है, इसमें हम डालते हैं दूध, डाल के मिलाएंगे और चलाते रहेंगे, मिलाते रहेंगे। तो अच्छे से देख सकते हैं आप, अच्छे से बन गया है कैरमल बन के दूध में। और इसमें हम डाल देते हैं चूरा को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चूरा के साथ साथ हम डालेंगे ये है मिल्क पाउडर। दोनों एक साथ करेंगे हम मिक्स। तो टेस्टी बनता है मिल्क पाउडर डालने से, तो चिकना होता है मिठाई। अब इसमें डालेंगे हम घी। तो देखिए घी डालने से क्या होता है कि शाइनिंग आता है और टेस्ट बहुत अच्छा होगा। तो 2 चम्मच घी लिए हैं, डाल दिए हैं, इसको हम पकाएंगे 2 मिनट तक। खूब अच्छा थोड़ा सा हो जाएगा पक के, सौंधापन आएगा। तो आप देख सकते हैं, देख कितना अच्छा बन चुका है, एकदम पैन छोड़ दिया है। अभी इसको सेट करने के लायक हो गया है ट्रे में। लग रहा है ना कि अफलातून मिठाई है, एकदम उस तरह से दिख रहा है। तो हम चलते हैं ट्रे की तरफ। कोई भी ट्रे ले या थाली ले, उसमें थोड़ा सा ग्रीस करके और इसको सेट कर देना है। सेट होने तो आप देख सकते हैं, ये हम ट्रे ले लिए हैं, इसको हम घी से ग्रीस कर लिए हैं। अब इसमें हम डाल देंगे, स्पैचुला से हम ये ऑन कर देंगे। तो आप देख सकते हैं गार्निश कर लिए हैं, इवन कर लिए हैं। अब सेट होने के लिए छोड़ देते हैं 1 घंटा। तो हम कट लगा लेते हैं, सेट हो चुका है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आप देख सकते हैं पीस भी हम बना लिए हैं। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगती हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो नई रेसिपी के साथ मिलेंगे अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।